मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, आपकी कई रैलियां हो चुकी हैं, यहां पर लगातार रैलियां हो रही हैं, आज पूरे देश ने आपकी मन की बात भी सुनी होगी, उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कब आप काम की बात करेंगे। मैं जिस रैली में जाता हूं, कम से कम उस क्षेत्र में, उस जिले में जो सरकार ने काम किया है मैं बताने की कोशिश करता हूं और बताता भी हूं। कम से कम आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी जहां जाएं, जो उनकी सरकार ने काम किया है जनता को जानकारी में आए, प्रदेश की जनता जाने कि केंद्र सरकार ने कौन सा काम उनके लिए किया है। नोटबंदी बड़ा सवाल था, भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद रुकना था। अब नोटबंदी की बात तो यहां तक है, चुनाव शुरू हो गया है, जहां चुनाव नहीं है नोटबंदी का असर उधर उस जगह दिखाई दे रहा है। लोग अभी भी परेशानी में, उनको पैसा जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। हम तो कहते हैं काम की बहस, उपलब्धियों की बहस प्रधानमंत्री जी कहीं भी करना चाहें वो गांव भी तय कर सकते हैं, जो खजांची का गांव है, और दूसरा अगर गंगा मैया के किनारे घाटों पर हो जाए तो उससे अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। किसानों का कई गुना हम उनकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। अब तो लगभग 3 साल हो गए होंगे, किसानों की कितनी आमदनी बढ़ी है, और फिर किसानों का कर्ज माफ की बात भी आ गई है आपकी तरफ से। इसमें जरूरी नहीं है कि प्रदेश सरकार आपकी हो, अगर आप चाहें तो कभी भी कर्ज माफ कर सकते हैं। अगर कर्ज माफ करना है तो महाराष्ट्र के किसान भी इंतजार कर रहे होंगे कि उनकी भी मदद केंद्र सरकार करेगी, मध्य प्रदेश के भी किसान इंतजार कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ के भी, और देश के तमाम किसान भी उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद उत्तर प्रदेश के बहाने उनके भी लाभ हो जाए। कहीं ये बात तो नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश के किसानों को वोट लेने के लिए आपने ये बात कही हो। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि उन्हें हिसाब किताब अभी नहीं 2019 में देना है। हम कहते हैं हम 5 साल का हिसाब किताब नहीं कह रहे जनता के बीच में रखने का, कम से कम जो समय गुजर गया उसी का हिसाब किताब आ जाए। और फिर लोहिया जी ने जो बात कही थी कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो मैं समझता हूं जनता भी शायद इंतजार नहीं करेगी। अगर आपकी तरफ से वो बातें आ जाएंगी तो जनता को कम से कम मालूम हो जाएगी। वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, जिस हिस्से में चुनाव चल रहा है पूर्वांचल के हिस्से में, कम से कम केंद्र सरकार बताए कि किस जिले में क्या काम किया है। हमसे कोई पूछे तो मैं बता सकता हूं, ये एक्सप्रेसवे जो चला है आगरा से लेकर के लखनऊ तक ले आया मैं, यही एक्सप्रेसवे आने वाले समय में आपका सुल्तानपुर अमेठी होता हुआ आजमगढ़ गाजीपुर पहुंचेगा। ये एक्सप्रेसवे बनना शुरू हो गया है। मैं कहता हूं कि एक्सप्रेसवे से बड़ी कोई सड़क आपने बनाई हो तो बता दो। चीनी मिल लगा दी हमने सठियाओं में, आजमगढ़ में, इतने कम समय में कभी चीनी मिल नहीं लगी होगी। आपकी सोनभद्र से लेकर के बनारस वाली 4 लेन बन गई है, आपकी बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर के भदोई तक 4 लेन बनी है, बुनकर बाजार बनाया गया है, देवरिया से लेकर के गोरखपुर 4 लेन सड़क बनी है, देवरिया से ही सलीमपुर की 4 लेन रोड बनने शुरू हो गई है। एम्स को जगह नहीं उपलब्ध हो पा रही थी, हम तो जगह दे रहे थे लेकिन कानूनी दाव पेश के अंदर वो जमीन रुक गई। उसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लग गया था, मैंने सबसे कीमती जमीन एम्स को गोरखपुर में दिलाने का काम किया। कम से कम वही बता दें कि एम्स का बन जाएगा। दूसरा 500 बेड हॉस्पिटल, 200 बेड हॉस्पिटल जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए बनाया था वो कम से कम हमारा बन करके तैयार हो गया। गोरखपुर में कस्या कुशीनगर में हवाई पट्टी बन करके तैयार हो गई। बहराइच से
सरावस्ती फोर लेन रोड बन गई है। मैं जानना चाहता हूं कम से कम कौन सा बड़ा सड़क का काम केंद्र सरकार ने किया है जो जनता के बीच में जानकारी में आ जाए। वहीं 55 लाख महिलाओं को हम समाजवादी पेंशन दे रहे हैं, 18 लाख लैपटॉप बांट चुके हैं। आपने तो आज भी मन की बात में कहा कि मोबाइल से बैंकिंग हो सकती है, हम ये बात स्वीकार करते हैं कि मोबाइल से बैंकिंग हो सकती है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार ने जो 18 लाख लैपटॉप दिए हैं क्या उनसे बैंकिंग नहीं हो सकती? वहीं आपने ये भी आरोप लगाया बीजेपी के लोगों ने कि जो हम स्कीम चलाते हैं वो भेदभाव के साथ स्कीम चलाते हैं, जो 55 लाख महिलाओं को हमने समाजवादी पेंशन दी है उसमें भेदभाव किया है। वो तो मंचों से कह रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं किन लोगों को मिल रहा है, हम तो नहीं कह रहे हैं, वो नाम नहीं लेते हम। 18 लाख लैपटॉप किसको दिए गए वो सूची है हमारे पास। लेकिन गोंडा में जो आपने कहा कि नकल बहुत होती है यहां पर और नकल से पास होकर के बच्चे हैं, मैं तो कहूंगा कि जिन बच्चों को मैंने दिया है, जिन बच्चों को लैपटॉप और जिन बहनों को लैपटॉप मिला है और जिन बेटियों को कन्या विद्यालय सरकार की तरफ से मिला है, मैं समझता हूं उनमें से कोई भी नकल से पास नहीं हुआ होगा, अपनी मेहनत अपने परिश्रम से पास हुआ होगा। कम से कम मैं लैपटॉप पाने वाले तमाम छात्र छात्राओं से भी अपील करूंगा आपके माध्यम से, तमाम बेटियां जिनको विद्याधन मिला है उनसे भी मैं अपील करूंगा, कम से कम ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि नकल करके हम पास हुए हैं उनको इस चुनाव में जरूर सबक सिखाना। मैं तो सूची पढ़ता हूं, जो गोंडा की सूची है, जो लैपटॉप प्राप्त किए बच्चे, मैं तो कहता हूं अगर कहीं भेदभाव हुआ हो तो बीजेपी के लोग कम से कम मेरी जानकारी में लाएं कि हां समाजवादी सरकार ने भेदभाव किया है इन योजनाओं में जनता तक नौजवानों को पहुंचाने में। जिन बच्चों को प्राप्त हुआ है लैपटॉप, क्योंकि एक ही वर्ष का मैं बता रहा हूं, मैं पुरानी वर्षों का भी बता सकता था, जो अभी बताने जा रहा हूं मैं, सबसे टॉप पर जो नाम जिस हिसाब से उनको मिले हैं लैपटॉप, पहला नाम है आकांक्षा वर्मा, दूसरा नाम है धर्मेंद्र कुमार तिवारी, तीसरा नाम है निशा शुक्ला, देवाश्री उपाध्याय, अभिषेक पांडे, उत्कर्ष गुप्ता, गौतम सिंह, निधि सिंह, राजेंद्र यादव, अनुराग। वहीं में कन्या विद्याधन जिन बेटियों को जिन छात्राओं को मिला है उनके नाम में मैं पढ़ना चाहता हूं, जो 2016 की सूची है, पढ़ने को तो मैं पुरानी सूची भी पढ़ सकता था लेकिन 2016 की ज्यादा जानकारी होगी उनको। सबसे पहला नाम जिनको कन्या विद्याधन मिला है उनका नाम है खुशबू मिश्रा, दूसरी बेटियां प्राकृति वर्मा, अनामिका द्विवेदी, स्वाति पाठक, रोहिणी ओझा, मधु अवस्थी, ऋषा रावत, अनीता देवी, दिव्या द्विवेदी, शिवानी पांडे। मैं तो जानना चाहता हूं कि किन बच्चों में समाजवादी सरकार ने भेदभाव किया है। मान लीजिए बीजेपी के लोगों ने कहा कि लखनऊ में मेट्रो चला दी, मैं बैठना चाहता हूं। हमने कहा कब रोका है मैंने आपको बैठने के लिए, आप मुझे एनओसी दिलवा दीजिए रेलवे से, मैं कल आपको बैठा लूंगा उसमें। वो एक प्रोसीजर है और एक सिक्योरिटी चेक्स है, उसका एक टाइम लगता है, मिनिमम 3 महीने लगते हैं। जो हमने उद्घाटन किया था उस दिन बैठे नहीं थे, उस दिन मेट्रो के ट्रायल ट्रैक पे चलने का उसका उद्घाटन हुआ था, हम लोग खड़ी हुई ट्रेन पर बैठ करके देखे थे। और फिर ये कहना प्रधानमंत्री जी का कि वो ब्लड प्रेशर निपाना चाहते हैं वेदांता हॉस्पिटल में, मैं ये कहता हूं अगर ब्लड प्रेशर ही निपाना है तो वेदांता हॉस्पिटल में क्यों जाना है, हम तो किसी भी डॉक्टर से नपा देंगे। और फिर अजब भाभी ने अपने छोटे भाइयों से ये कह दिया हो कि हम भैया को बता देंगे इसमें क्या खराबी है, किसको तकलीफ है, हमारी बुआ को तकलीफ है, उनसे कहिए 1090 मिलाइए, अगर मदद ना मिले तो बताएं हमें।
मिला है हमारी बुआ 1090। मैं ये कहता हूँ 1090 बुआ मिला है हमारा फोन।